bismillahirrahmanirrahim Aslam alaikum students in today's video we will discuss further 10 mcqs of kppsc past paper 2018 ss subject specialist biology so mcq a plant that produces fruit has leaves with veins branching to form a net like pattern and has vascular bundles in stems arranged in a circle is most likely a तो ये जो है ऐसा ऐसे प्लांट की बात कर रहे हैं कि फ्रूट जिसकी प्रोडक्शन हो रही है तो अब हमारे पास एनजियपम्प हैं और जेमनोसपम्प हैं ठीक है फिर में हमारे पास टू कैटेगरीज हैं डायकोड्स हैं और मोनोकोड्स हैं फिर मोनोकोड्स और डायकोड्स में ये फर्क होता है कि जो मोनोकोट हैं उसमें से जो लीव्स की वेनेशन है दीज आर पैरेलल और जो वस्कुलर बंडल्स हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अरेंज होते हैं जो डाइकोट्स हैं वहां पर जो वेनेशन है दीज आर लाइक और जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो वहां पर फिर कंप्लेक्स फॉर्म में अरेंज होते हैं ठीक है तो इसमें ये फर्क है अब यहां पर ये जो कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं दिस इज एक्चुअली दे आर टॉकिंग अबाउट द मोनोकोट्स ठीक है तो अब इसमें से हमने मोनोकोट को सेलेक्ट करना है अब जो कॉर्न प्लांट है इट इज एक्चुअली एन एनजियोस्पम और एनजियोस्प में फिर ये मोनोकोट है फर्न तो बिलोंग्स टू फर्न की कैटेगरी से बिलोंग करता है इट इज नॉट अ मोनोकोट नॉट अ डाइकोट नॉट अ पी प्लांट जो है ये हमारे पास डायकोट है इट इज नॉट अ मोनोकोट इट इज डायकोट पाइन इट इज अ अमनोस्पम ठीक है तो यहाँ पर तो या मोनोकोट की बात हो रही है या डाइकोट की तो हमने उसमें से वो सिलेक्ट करना है उसके बाद नेक्स्ट टाइम से क्यूँ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स वुड मोस्ट लाइकली बी लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ पायरामिड ऑफ बायोमास तो अब जो पायरामिड ऑफ बायोमास है इसमें हमारे पास बिल्कुल बॉटम में प्रोड्यूसर्स मौजूद होते हैं उसके ऊपर फिर हर्बीवर्स फिर जो है कार्निवोर्स और इस तरीके से तो नीचे प्रोड्यूसर्स मौजूद होते हैं अब इसमें से हमने प्रोड्यूसर्स को सिलेक्ट करना है अब जो डाई आइटम्स है हमारे पास दीज आर प्लांट लाइक प्रोटेस्ट जिस तरीके से प्रोटेस्ट हैं हमारे पास तो इसमें से थ्री टाइप्स की कैटेगरीज मौजूद हैं प्लांट लाइक प्रोटेस्ट हैं एनिमल लाइक प्रोटेस्ट हैं और फंजाई लाइक प्रोटेस्ट्स हैं

फोटोसेंथिस तो दिस मस्ट बी एट दी बॉटम ऑफ द पैरामिड ऑफ बायोमास उसके बाद नेक्स्ट टाइम से क्यों है विच ऑफ द फॉलोइंग लेक अ ट्रू सीलोम अब जो हमारे पास कैटेगराइजेशन हुई है ए सिलोमेट्स सीडो सिलोमेट्स और सिलोमेट्स की तो वो हमारे पास इस तरीके से हैं कि फर्स्ट वन जो सिलेंट्रेटा हैं दे आर ए सिलोमेट्स उसके बाद प्लेटी हेलमेंट्स और दूसरे उसके बाद फिर हमारे पास प्लेटी हेलमेंट्स हैं और एस हेलमेंट्स सीडोसिलोमेट्स फिर एस एलम्स के बाद हमारे पास आते हैं mulas, annalids, तो psyllomates. Psyllomates है। ट्रू सिलोम मौजूद होता है तो अब इसमें से कह रहे हैं कि लेक अ ट्रू सिलोम इसमें कोई ट्रू सिलोम मौजूद नहीं है या तो सीरोट है या फिर ए सिलोमेट्स हैं तो अर्थव बिलोंग्स टू एनलिट्स फाइल एनलिट्स से बिलोंग करता है एंड इट इज सिलोमेट

वायरस बैक्टीरियम पर अटैक कर सकता है और इस वायरस को फिर हम बोलते हैं फेज तो बैक्टीरिया ईटर इज एक्चुअली बाद नेक्स्ट टाइम सिक्यू है जाइलम टिश्यू इज जब जाइलम टिश्यू की मेच्योरेशन हो जाती है इट बिकम्स डेड एंड इट इज यूज्ड फॉर द सपोर्ट इन प्लांट्स

एनजियो uh, की और इससे विड वुड जो है वुडी uh, टिश्यू वो बनता है इंक्रीज द हाइट ऑफ अ प्लांट तो हाइट जो है प्लांट की ये इंक्रीज नहीं करता ये विड्स इंक्रीज करता है प्लांट की जनरेटेड रूट हेयर तो बिल्कुल भी इसका फंक्शन नहीं है उसके बाद नेक्स्ट टाइम से क्यों फ्लावर बास्केट इज ऑल्सो नॉन एज तो वीनस फ्लावर बास्केट है दिस बिलोंग्स टू फाइलम पोरिफ्रा प्रोटोजोवा ये इससे बिलोंग करता है ठीक है तो इसको हम ग्लास स्पंज भी बोलते हैं और इसको यू प्लेक्टेला भी बोलते हैं

फंक्शन ऑब्जर्व किया गया है कि इस तरीके से कंपलीटली ये नॉन फंक्शनल नहीं है इसका रोल है इन द इम्यून सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट टाइम सी क्यों है? लिविंग मेंबर ऑफ सेलोप्सिडा इज़। तो जो सेलोप्सिडा है, हमारे पास बिल्कुल फर्स्ट मेंबर है ट्रैकियोफाइट्स का। तो दिस इंक्लूड्स राइनिया साइलोफाइट साइलोटम जो लिविंग मेंसटेंट हो चुके हैं कंप्लीटली खत्म हो चुके हैं ओके स्टूडेंट दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो